हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट नियमिक रिएक्शन समझने वाले हैं जिसका नाम है एमपीवी रिडक्शन। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इसका नाम है मीन वीन पॉन्ड ऑफ वर्ली रिडक्शन। होता क्या है इसमें, इसमें कोई भी कीटोन का हम रिडक्शन करा सकते हैं और उसे अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए कीटोन है, ये कोई कीटोन है और ये चेंज हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। किसकी हेल्प से होता है ये, ये होता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की मदद से। ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की स्ट्रक्चर है। और किसकी प्रेजेंस में होता है ये आइसो प्रोपेनॉल की प्रेजेंस में होता है। और ये हो गई हमारी आइसो प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, इसमें कीटोन चेंज हो रहा है अल्कोहल में किसकी मदद से, एल्युमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसो प्रोपेनॉल एज अ सॉल्वेंट। होता क्या है इसे हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है वो सॉल्यूशन में टूट जाता है और इस फॉर्म में आ जाता है। पहले हम इसे बना लेते हैं। ये है हमारे पास एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और ये चेंज हो जाता है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और CH3CO- H और CH3। अब होता क्या है, ये रिएक्ट करता है कीटोन के साथ जो हमारे पास सॉल्यूशन में है। तो ये लोन पेयर कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाती है, रिलीज। हाइड्रोजन जब रिलीज होती है ये अटैक कर देती है इस वाली कार्बन पर। इस कार्बन पर अटैक करने के बाद ये बना देती है यहाँ पर, ये इस पर अटैक करेगी और ये दोबारा से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पर आ जाएगा लोन पेयर। ओके, और हमें मिल जाता है एल्कोक्साइड R2 और यहाँ पर O- एंड H। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, जो हमारे पास ये बना है ये कीटोन के साथ रिएक्शन करता है लोन, ये जो लोन पेयर है कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है, ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाती है इस कार्बन से और यहाँ से ये फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में और ये हमें इस रूप में मिल जाता है। एक कार्बन पर जुड़ गया हाइड्रोजन और एक कार्बन पर जुड़, इसी कार्बन पर ये है ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ। ठीक है, और ये हमें मिल जाता है एक कीटोन के रूप में CH3CH3OH। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एल्कोक्साइड और मिल जाता है कीटोन। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमें ये एल्कोक्साइड मिला है ये जो हमें एल्कोक्साइड मिला है ये रिएक्शन करता है आइसोप्रोपेनॉल से जो हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है। और इससे रिएक्शन करने पर क्या होगा, ये बदल जाएगा अल्कोहल में और वापस से ये बदल जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए इसे कैसे हुआ है।
ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होती है और ये इसके साथ जाकर जुड़ जाती है और यहाँ हमें मिल जाता है अल्कोहल और ये चेंज हो जाता है दोबारा से इस फॉर्म में। ठीक है, ये दोबारा से एक कैटलिस्ट का काम करेगा, सॉल्यूशन में दोबारा से कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, दोबारा से वही सब रिएक्शन होंगी और दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और ये चलता रहेगा। और इस तरह से एमपीवी रिडक्शन होता है जिसमें हमें अल्कोहल मिल जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। इसी तरह से और वीडियो और नेमिंग रिएक्शन और केमिस्ट्री देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।